समंदर की ये रहस्यों से भरी और सच्ची घटना है। कैसे मिला समंदर में ये डूबता हुआ शहर और इस आदमी को जो बेशकीमती खजाने मिले थे समंदर की गहराइयों से, उसके आगे क्वीन विक्टोरिया का कोहिनूर हीरा कुछ नहीं। नंबर 9, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी। दोस्तों, समुद्र में मिलने वाली हर चीज की तरह इस शहर ने भी हमें हमारे इतिहास के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कुछ ज्यादा ही। दरअसल ये शहर गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी के पास भारत के किनारे कुछ ही दूरी पर स्थित है। पानी में मिला ये शहर हद से ज्यादा रहस्यमयी था। इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा था जिसने दुनिया के इतिहास पर दोबारा से सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया। ये शहर लगभग 9500 साल पुराना था। ये तब बना था जब आइस एज लगभग खत्म ही हुआ था। इस शहर के अंदर पाए गए अवशेषों, बर्तनों और फर्नीचर को जांचने के बाद ये पता चला कि अब तक दुनिया में मौजूद सबसे पुराने शहर मेसोपोटामिया में बसाया गया था। लेकिन ये शहर जो खंबा की खाड़ी में मिला था वो इन शहरों से भी 5500 साल पुराना था, जो कि दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता था। नंबर 8, सीक्रेट अंडरसी रिवर। दोस्तों, रिसर्च करने वाले लोगों ने प्रकृति का एक ऐसा रहस्य ढूंढ निकाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि नदी के अंदर भी कोई नदी बह सकती है? ये नदी पाई गई है ब्लैक सी के अंदर। ये नदी लगभग आधा मील चौड़ी है और लगभग 115 फीट गहरी। ये समंदर के अंदर से बहती है। ऐसा हो पाया क्योंकि समंदर और नदी का पानी अलग अलग तत्व का है। अगर समंदर का पानी कम नमक वाला है तो वहीं नदी का पानी जरूरत से ज्यादा नमक से भरा है। ऐसा होने के कारण ये नदी समंदर के साथ नहीं मिल पाती और समंदर के अंदर से बहते हुए दूसरी जगह पे जाकर मिलती है। ये अपने आप में ही एक अनोखा दृश्य है। आपकी क्या राय है कॉमेंट्स में जरूर बताए। नंबर 7, द ग्रेट ब्लू होल। दोस्तों, द ग्रेट ब्लू होल अभी तक पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा होल है जो समंदर के रहस्यों को और भी ज्यादा संगीन और अजीब बनाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह ये ब्लैक होल की तरह नजर आ रहा है। ये ब्लू होल 1971 में ढूंढा गया, जिसे एक नेचुरल सिंक होल भी कहा जाता है, और ये होल अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े सिंक होल में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये एक आइस एज के दौरान एक गुफा के होने के कारण बना था। ये होल लगभग 300 मीटर के एरिया में फैला हुआ है और लगभग 125 मीटर गहरा है। लोग दूर दूर से इसमें डाइविंग करने आते हैं। हालांकि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी इसमें डाइविंग किया जा सकता है। नंबर 6, बिमिनी रोड, बहामास। दोस्तों, आप लोगों ने कभी न कभी अटलांटिस शहर के खो जाने की कहानी के बारे में जरूर सुना होगा। वो शहर तो अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन समंदर के अंदर उसका रास्ता जरूर मिल गया है, ऐसा लोगों का मानना है। ये रास्ता बहामास के पास स्थित है। पानी में बना ये रोड दिखने में काफी खूबसूरत है और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। पानी में मौजूद इस रोड के बारे में पता चलने के बाद लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई कि ये रोड उसे सीधा अटलांटिस से जोड़ता है। हालांकि इस बारे में अब तक कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। ये रोड पानी की सतह से बस 6 फीट अंदर है, जिस वजह से कोई भी इंसान यहाँ तक आराम से डाइव लगाकर पहुँच सकता है और इस खूबसूरत नजारे का मजा ले सकता है। नंबर 5, ट्रेजर ऑफ एमराल्ड्स। दोस्तों, आपने सपने में शायद कभी ये देखा हो कि रास्ते में चलते हुए आपको कोई बड़ा खजाना मिला हो, लेकिन उठने के बाद आपको याद आता है कि यार, काश वह सपना सच हो जाता। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सपना किसी की जिंदगी में सच भी हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, ये वो खजाना है जो एक ट्रेजर हंट के हाथों लगा, जिसका नाम जेम था। फ्लोरिडा के तट पर मिले इस खजाने की कीमत लगभग $500 मिलियन तक थी। जब उस ट्रेजर हंट ने उसको ढूंढा, तब वो जानता था कि उसे एक जैकपॉट मिल गया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अभी एक कानूनी लड़ाई करनी बाकी है। उस खजाने में बहुत सारी ज्वेलरी थी जो कि बहुत ज्यादा बेशकीमती थी। जेम, जिसने ये ढूंढा था, वो मीडिया में एकदम छा गया और उसके बाद फेडरल सरकार को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। उन्होंने उन जेवरों पर न बिकने का प्रतिबंध लगा दिया। जेम कर्जे में डूबा हुआ था और वो ये प्रतिबंध सह नहीं पाया, जिसके चलते उसने खुदकुशी कर ली और आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि इतना खूबसूरत खजाना आखिर आया कहाँ से। नंबर 4, एन एलियन स्पेसक्राफ्ट। दोस्तों, 2011 में स्वीडन की ट्रेजर हंटिंग टीम ने समंदर के अंदर तलाश करते हुए जो देखा वो उनके लिए हैरान करने वाला था। वो उस समय बटलिक सागर में थे और उन्होंने वहां देखा कि एक 70 मीटर लंबी आकृति का कुछ समुद्र के अंदर है और उसका उन्होंने नाम रखा बाल्टिक सी एनोमैली। इसका इंटीरियर कुछ इस तरह का था कि इसके अंदर कोई इंसान आराम से बैठ सकता था। इसके बारे में अब तक केवल थ्योरी ही चल रही थी कि आखिर ये क्या हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई स्पेसशिप है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सुकेन शहर का हिस्सा होगा। नंबर 3, एंशियंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया।
दोस्तों ये तो मानना होगा कि जितने भी शहर अभी पृथ्वी पर मौजूद नहीं है उससे ज्यादा शहरों को समुद्र निगल चुका है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से किसी का भी पता नहीं चल पाया है। अलेक्जेंड्रिया भी उन्हीं पुराने शहरों में से एक है जिसे समुद्र निगल गया था, लेकिन 1998 में फिर उसे ढूंढ लिया गया। ये शहर इजिप्ट का एक ऐसा शहर था, ऐसा माना जाता है कि लगभग 1600 साल अपने पूरे भरे अस्तित्व में समंदर में डूब गया था। जब इसे ढूंढा गया तो इसमें से एक रहस्यमय चीजें बाहर निकली, क्योंकि उस वक्त के शानदार इतिहास को बताती थी। उस शहर में एक महल भी मौजूद था जो किसी रॉयल प्लेस जैसा था। उसके फ्लोर मार्बल के थे और उस महल में बहुत ही आकर्षक और नक्काशी की गई थी। समंदर के अंदर इतनी रहस्यमय चीजें देखकर सभी चौंक गए थे। उस शहर में एक स्टैचू भी मौजूद था जो 2000 साल पुराना था। वैज्ञानिक अब तक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ये किस प्रकार का शहर था और इसे किसने बसाया था। नंबर 2, लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड। दोस्तों 1985 में पॉल हैमलर नाम के एक शख्स जब समंदर की मैग्नोमीटर से मैपिंग कर रहा था, तब उसे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। उसने समंदर के नीचे देखा तो वहां लाशों से भरा एक ट्रेन का इंजन था, जिसे देखने के बाद लोगों ने लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड का नाम दिया। जब साइंटिस्ट्स ने लोकोमोटिव पर रिसर्च की तो ये पता चला कि वो ट्रेन और उसमें मौजूद लोग 1850 के थे। जब साइंटिस्ट ने उन पर और भी ज्यादा रिसर्च की तो ये सामने आया कि बोस्टन से मिड अटलांटिक की तरफ ले जाया जा रहा था, और तभी कोई तूफान आया और ट्रेन के साथ लोगों को भी समंदर की गहराइयों में छोड़ दिया। ये लोकोमोटिव 15 टन के थे। ये हादसा काफी हद तक टाइटैनिक जैसा था। लोकोमोटिव काफी शानदार थे और अब उन्हें संभालकर म्यूजियम में रखा गया। नंबर 1 इज ब्रिटेन अटलांटिस डॉगरलैंड। अभी तक महान अटलांटिस शहर को ढूंढा नहीं जा सका है, लेकिन आज हम इस लिस्ट की शुरुआत करेंगे वैसे ही एक शहर से। इस लिस्ट में आपको कई शहरों से गुजरना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ सी के अंदर मिला ये शहर लगभग 8500 साल पहले नॉर्थ सी में डूबा था। यह स्कॉटलैंड से लेकर डेनमार्क तक फैला हुआ था और इसे यूरोप का दिल तक कहा जाता होगा, लेकिन जल्द ही ये सब खत्म हो गया और ये शहर इस समंदर की गोद में समा गया। ये शहर अगर अभी इस रियल दुनिया में मौजूद होता तो ग्रेट ब्रिटेन से यूरोप को जोड़ रहा होता, जो कि यूरोप को और भी पावरफुल देश बनाता। अभी इस चीज पर और भी रिसर्च की जा रही है।